हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट की। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस के टाइप, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोस, फाइनली का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। और एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन जब आते हैं तो किस तरीके से उन एक्सेप्शन को आपको मैनेज करना है, ट्राई क्यों लिखना है, कैच का क्या यूज है, राइट। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहां पे स्पेसिफिकली दो कॉन्सेप्ट। एक तो हम ये देखेंगे कि वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस को हम थ्रोस के साथ कैसे मैनेज करते हैं, दूसरा हम बात करेंगे फाइनली स्टेटमेंट के बारे में कि फाइनली स्टेटमेंट को हमें क्यों यूज करना है, राइट। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए कि यहां पर अगर मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूं, ठीक है, दिस इज अ क्लास एबीसी। अब इस क्लास एबीसी में एक मेथड है, ठीक है, दिस मेथड इज अ डिवीजन मेथड, राइट। कि मैंने इसका नाम रख दिया डिवीजन। बहुत ध्यान से थोड़ा सा इसको समझना तो आपको समझ में आएगा फाइनली का यूज क्या है, ठीक है। देखिए आप, एक्चुअली मैं आपको यूज बताता हूं फाइनली को हम जनरली कब यूज करते हैं, जब हम प्रोग्राम में कुछ ऐसी स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं जो कि एक्सेप्शन पे डिपेंडेंट ना हो। मतलब मैं यह चाहता हूं कि बॉस एक्सेप्शन आए ना आए, ठीक है, मुझे उन स्टेटमेंट को कंपल्सरी एग्जीक्यूट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर अभी हम बात करें, चलिए इस एग्जाम्पल को तो मैं लेता हूं अभी, लेकिन मान लीजिए अगर अभी हम बात करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जावा और डेटाबेस के बीच में अगर क्वेरी एग्जीक्यूशन करना है तो सबसे पहले मुझे कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। इन द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू ओपन द कनेक्शन, राइट। अब एक बार अगर आपका कनेक्शन ओपन हुआ, सो आफ्टर कंप्लीशन द टास्क कंपल्सरी यू हैव टू क्लोज दिस कनेक्शन, राइट। लेकिन अब आप सोचिए कि जब आपने कनेक्शन ओपन किया, अब इस कनेक्शन ओपन और क्लोज के बीच में आई कैन राइट थाउजेंड लाइन कोड, राइट। अब इस बीच अगर कोई एक्सेप्शन आ गया या कोई ऐसी स्टेटमेंट आपने लिख दी जिसके कारण आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो गई है, तो आपका जो कंपल्सरी स्टेटमेंट है क्लोजिंग का वो रह जाएगा। तो मैं यहां पर यह चाहता हूं कि चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है लिखा हो प्रोग्राम में, मैं यह चाहता हूं कि एक्सेप्शन मैंने हैंडल किए ना किए, मुझे तो कंपलसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी प्रोग्राम में कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसका एग्जीक्यूशन आपको एक्सेप्शन डिपेंडेंट नहीं रखना है, तो वहां पर हम लिखते हैं फाइनल स्टेटमेंट को, ठीक है। और मैंने अपने प्लेसमेंट रेडी कोर्स में इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, इसके क्विजेस क्या हैं, इसके असाइनमेंट्स, बहुत कुछ वहां पर हम लोगों ने कवर किया है, जो कि आपको टेक विद्वान की साइट में मिलने वाला है, राइट। तो यहां पर अभी हम बात करते हैं, देखिए एक्सेप्शन को जब हम हैंडल करते हैं ना, तो एक्चुअली हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो हम ट्राई लिखेंगे तो ट्राई का हम कैच लिखेंगे, ठीक है। मतलब यहां पर कंपलसरी ये है कि मुझे एक्सेप्शन मैनेज करना है, कंपलसरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे ये लगता है कि बस अगर एक्सेप्शन आया तो इफ एनी एक्सेप्शन ऑकर इन दिस ट्राई ब्लॉक दैट विल बी हैंडल बाय दिस कैच। सेकंड हम ये लिखते हैं ट्राई फाइनली, मतलब फाइनली बिना ट्राई के नहीं लिखा जा सकता, ये ध्यान रखिएगा, राइट। जैसे कैच विदाउट ट्राई नहीं लिख सकते, वैसे ही फाइनली विदाउट ट्राई आप नहीं लिख सकते। तो अगर मैंने ये लिखा ट्राई फाइनली, अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आया, सो दैट विल बी हैंडल बाय द जावा हैंडलर, वो जावा का डिफॉल्ट हैंडलर हैंडल करेगा, लेकिन वो इन कंपलसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शन आपको मैनेज नहीं करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वांट टू एग्जीक्यूट द कंपलसरी स्टेटमेंट, देन गो फॉर ट्राई फाइनली। और तीसरा ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राई कैच और फाइनली, राइट। कि ट्राई कैच फाइनली आपको कब लिखना है, ट्राई कैच फाइनली आपको लिखना है जब आपको एक्सेप्शन को भी मैनेज करना है और आप कंपलसरी स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब आप ट्राई कैच लिखेंगे, कब आप ट्राई फाइनली लिखेंगे, कब आप ट्राई कैच फाइनली लिखेंगे। इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में आपको मिलने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली केवल और केवल एक्सेप्शन से रिलेटेड है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि व्हेन कंपलसरी स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड विल गो फॉर अ फाइनली ब्लॉक। अब देखिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं, जो मैं एग्जाम्पल अभी यहां पर लेने वाला था, राइट। कि मान लीजिए डिविजन मैथड है, अब इस डिविजन मैथड में मैंने यहां पर लिखा है, मतलब मुझे ये लगता है कि बॉस मैंने लिखा c इक्वल टू a डिवाइड बाय b एंड देन आई जस्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ दिस c, रिटर्न c। लेकिन अब आप देखिए, अब मुझे लगता है कि c इक्वल टू a डिवाइड बाय b में एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमने यहां पर इसको हैंडल कर लिया ट्राई कैच, और इस कैच में हमने यहां पर लिख दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन e, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हर एक्सेप्शन की पैरेंट क्लास जो है वो एक्सेप्शन है,
जो कि प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन, याद है हमने बात की थी प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन पार्ट वन में, तो जितने भी प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन है उनकी पेरेंट क्लास कौन है, एक्सेप्शन। तो यदि आपको लगता है कि आपको अलग अलग क्लास का नाम नहीं लिखना है तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं एक्सेप्शन ई, वो इसलिए क्योंकि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी चाइल्ड क्लास का रेफरेंस बन सकता है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन नो डाउट यहां से आने वाला है लेकिन उसकी पेरेंट क्लास कौन है, एक्सेप्शन। या आप रन टाइम एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन भी पेरेंट क्लास है अरिथमेटिक एक्सेप्शन की, तो यहां पर आप यह भी लिख सकते हैं एक्सेप्शन ई। तो अब आप देखिए, अगर बाय चांस इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया, ठीक है, अब मैंने बोला मुझे कंपलसरी स्टेटमेंट यह है कि इस प्रोग्राम के टर्मिनेशन पे मुझे बाय बाय प्रिंट करना है, और वो बाय बाय मुझे लास्ट में प्रिंट करना है। लास्ट में मतलब कि बॉस ऐसा नहीं कि आते से ही मैं पहली लाइन पे बाय बाय लिख दूं, वो नहीं करना है। तो यहां पर आप देखिए, यदि आपको लगता है कि बाय बाय इज अ कंपलसरी स्टेटमेंट, तो आपने ट्राय लिखा, कैच लिखा, अब इस ठीक कैच के नीचे मैंने यहां पर क्या लिख दिया, फाइनली, ठीक है, ट्राई कैच एंड फाइनली। तो यदि मैंने फाइनली ब्लॉक में लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बाय बाय, विच इज माई कंपलसरी स्टेटमेंट, राइट, जो कि हमारी कंपलसरी स्टेटमेंट होगी, ये बाय बाय मैंने कहां पर लिख दिया है, यहां पे। तो अब इसका मतलब यह है कि बॉस अगर इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया तो कैच उसको हैंडल करेगा एंड फाइनली बाय बाय तो प्रिंट होगा, और एक्सेप्शन नहीं भी आया तब भी आपका प्रोग्राम कंपलसरी बाय बाय को प्रिंट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बॉस चाहे स्टेटमेंट रिटर्न हो ना हो, एक्सेप्शन आए ना आए, कंपलसरी स्टेटमेंट हमने कहां पर लिख दिया है, फाइनली में। सो जो स्टेटमेंट हम फाइनली में लिखते हैं दैट इज अ कंपलसरी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट। तो यही मैंने आपको बोला कि जब अभी हम कनेक्टिविटी ओपन करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी, या मान लीजिए एक फाइल अगर आपने ओपन की तो फाइल की क्लोजिंग करना जरूरी है, कि अगर आप एक फाइल को ओपन करते हैं फॉर एनीथिंग, फॉर राइटिंग द डेटा और रीडिंग द डेटा फ्रॉम अ फाइल, हमें कंपलसरी इसको क्लोज भी करना होता है। तो ये जो क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट है ये हमेशा हम कहां पर लिखते हैं, फाइनली ब्लॉक में। तो आई होप आपको फाइनली का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ फाइनली ब्लॉक इन एक्सेप्शन। अब यहां पर चॉइस ये है, अगर आपको लगता है कि सर यहां एक्सेप्शन आपको हैंडल नहीं करना है तो आप कैच को हटा भी सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट ट्राई फाइनली। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर एक्सेप्शन आया सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय जावा डिफॉल्ट हैंडलर, लेकिन फिर वो हैंडल करेगा तो अपने हिसाब से करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कंपलसरी स्टेटमेंट उस केस में भी एग्जीक्यूट होगी, फाइनली वहां भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब ये है, आई होप आपको फाइनली का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाई फाइनली इज गोइंग टू बी यूज। अब इससे रिलेटेड सर क्वेश्चंस क्या होते हैं, फाइनली को लेके किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के एग्जांपल्स में हम फाइनली को यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को, आपको एम्पल्स ऑफ एग्जांपल मिलने वाले हैं जहां पर हमने फाइनली स्टेटमेंट को लेके बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ। ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हमने ये समझा है कि फाइनली का यूज क्या है। ओके, तो ये तो अभी हमने बात की फाइनली के बारे में, लेकिन अब आप देखिए मैंने आपको एक बताया था कि देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, थ्रो वर्सेस थ्रोस, कि थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है, राइट। तो थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है, आप देखिए थ्रो का यूज क्या है, जब आपको एक्सेप्शन अपनी कंडीशन पे थ्रो करना है, जैसे यहां पर आप देखें तो ये एक्सेप्शन c इक्वल टू a डिवाइड बाय b, यहां पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आएगा, मान लीजिए अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं कि मान लीजिए मैंने ट्राई लिखा, ठीक है, दो नंबर आपने यूजर से लिए हैं या डिविजन मैथड है, चलो ठीक है, फिर से मैंने लिखा इंटीजर डिविजन, मतलब एग्जाम्पल आप देखो यहां पर ये डिवीजन मेथड को आप दो नंबर दोगे, अब वो दो नंबर कौन से होंगे वो आपको भी नहीं पता है, दैट टू नंबर में भी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर एक्चुअली अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आ रहा है, जब नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन चाहिए जब मैं नंबर को फाइव से डिवाइड करूं, मतलब अगर बी की वैल्यू फाइव है तो भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि जावा के हिसाब से डिवाइड बाय फाइव इज नॉट एन एक्सेप्शन, जावा के हिसाब से जो एक्सेप्शन है वो डिवाइड बाय जीरो है। तो यहां पर क्या कंडीशन आ गई, आप अपनी कंडीशन पर एक्सेप्शन थ्रो करना चाह रहे हैं, तो हमें यह तो पता है कि एक्सेप्शन जब आता है तो जावा ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, अब वो ऑब्जेक्ट आपके कंडीशन पर कैसे थ्रो होगा, तो यहां पर आप एक कंडीशन लगा दीजिए इफ बी इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो यहां पर अब आपने क्या लिख दिया, थ्रो थ्रो, ठीक है। अब इस थ्रो से आप क्या थ्रो कर सकते हैं, केवल ऑब्जेक्ट, यह ध्यान रखना, राइट, और ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्शन क्लास का। तो मैंने क्या लिख दिया, थ्रो न्यू अर्थमेटिक, न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, और यहां पर आपने वो मैसेज दे दिया जो एक्चुअली आप इस एक्सेप्शन के अगेंस्ट में प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे एक्चुअली जब आप जीरो के अगेंस्ट में मैसेज देखेंगे ना तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो,
तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, इसमें उसने पहले यह बताया है कि जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का हुआ है, ठीक है, अभी नहीं, मान लीजिए डिवाइड बाय जीरो वाला एक्सेप्शन का मैसेज अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट अ मैसेज जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसमें जावा इज अ पैकेज, लैंग इज अ पैकेज, अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज अ क्लास। तो वो एक्चुअली ये बताना चाहता है कि जो एक्सेप्शन आया है वो जिस क्लास का है वो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास, जो बिलोंग करती है लैंग पैकेज को, जिसका टॉप मोस्ट पैकेज है जावा। वैसे ही यहां पर हम चाहते हैं कि जब एक्सेप्शन आए तो जावा ये मैसेज प्रिंट करे जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय 5। तो देखो क्या किया मैंने, बी की वैल्यू 5 पर हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर दिया। अब मैंने यहां पर लिखा सी इक्वल टू, इसके ठीक नीचे सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, और ये पूरा कोड हमने कहां लिखा हुआ है ट्राई ब्लॉक में, दिस कंप्लीट कोड वी शुड राइट इनसाइड ट्राई ब्लॉक। अब इस ट्राई का हमने क्या लिख दिया कैच, और कैच में मैंने लिख दिया एक्सेप्शन ई। अब देखो अब इस प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम दो केस में कैच पे आएगा। दो केस कौन से सोचो आप, पहला अगर बी की वैल्यू 5 है तो भी ये थ्रो स्टेटमेंट आपको कैच पे थ्रो कर देगा, और अगर बी की वैल्यू 0 है तो जावा का इंटरनल एक्सेप्शन तो मैनेज हो ही रहा है यहां पे। मतलब जावा जो इंटरनली यहां पर चेक कर रहा है वो क्या कर रहा है, इफ बी इक्वल टू 0, पर उसने 0 वाला एक्सेप्शन हैंडल किया है, मैंने बी इक्वल टू 5 पर वही एक्सेप्शन मैनेज कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन दो केस में आएंगे, एक मेरी कंडीशन, एक जावा की अपनी कंडीशन। तो ये है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, कि जब हमें यूजर की कंडीशन पर एक्सेप्शन थ्रो करना है सो दैट इज पॉसिबल विद थ्रो स्टेटमेंट। अब ये तो थ्रो की बात हुई और समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है, लेकिन अब थ्रोस का क्या मतलब है। थ्रोस स्टेटमेंट को हम जावा में यूज करते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि देखिए जावा ने भी मल्टीपल मेथड्स दी हैं हमें, और उसका यह कहना है कि ऐसी बहुत सी मेथड हैं जिनमें एक्सेप्शन आए हैं लेकिन वो एक्सेप्शन उसने आगे प्रोग्रामर की तरफ थ्रो कर दी है। मतलब जावा में ऐसी बहुत सी मेथड हमें मिलेंगी जिन मेथड के आगे उसने थ्रोस करके एक्सेप्शन को थ्रोस किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, एक मेथड है स्लिप। अब जब भी आप इस स्लिप मेथड को यूज करेंगे, एक्चुअली ये यूज हम करेंगे मल्टी थ्रेडिंग में, तो इस स्लिप मेथड को यूज करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस मेथड से एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो हुआ है जो कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन है। मतलब ऐसी बहुत सी मेथड हमें जावा में मिलने वाली है, जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम मिलेगी, जहां पर आपको पता होगा कि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो यदि मान लीजिए स्लिप मेथड को हम देखें तो स्लिप मेथड में जावा ने मुझे कुछ इस तरीके से दी हुई है, स्लिप मेथड थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो ये जावा ने मुझे इस मेथड के आगे ये लिखा हुआ है थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो मुझे पता है कि बॉस थ्रोस मेथड, ये स्लिप मेथड इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगी। मतलब ऐसी मेथड जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि यदि ये एक्सेप्शन थ्रो करेंगी तो आपको कंपलसरी क्या करना है, आपको कंपलसरी इनको ट्राई कैच में लिखना है, कि या तो आप इनको ट्राई कैच में लिखें या फिर आप इसको और आगे फॉरवर्ड कर दें। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई मेथड से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आता है तो उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉलर मेथड की होती है जो उसको कॉल कर रहा है। जैसे यदि मैं इसको कॉल करूंगा जिस मेथड में, तो मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कि अगर आपने नहीं लिखा तो दैट इज अ सिंटैक्स एरर, वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो जो भी एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे थ्रो होते हैं वो किस स्टेटमेंट के थ्रू होते हैं, थ्रोस के थ्रू। तो यदि किसी मेथड से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आते हैं तो मुझे जब भी स्लिप लिखना है मैं क्या लिखूंगा, ट्राई, और फिर इसमें हम जो भी स्लिप लिखने का तरीका होगा थ्रेड डॉट स्लिप, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे तो ये थ्रेड डॉट स्लिप, यहां पर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूंगा, ठीक है, थ्रेड डॉट स्लिप एंड देन कैच, और कैच में मुझे इसको हैंडल करना है इंटरप्टेड एक्सेप्शन के फॉर्म में। मतलब इस मेथड को यूज करने के लिए मुझे ट्राई कैच लगाना कंपलसरी होगा, या फिर जिस भी मेथड में मैं इसको यूज करूंगा लाइक एक्स वाई जेड, तो या तो मैं ट्राई कैच लिखूं, और या फिर ट्राई कैच अगर नहीं लिख रहा हूं तो दूसरा तरीका यह है कि एक्स वाई जेड मेथड के आगे मैं लिख देता हूं थ्रोस, ठीक है, या मेन के आगे आपने लिख दिया थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि जो मेथड कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो करती है उनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कॉलर मेथड की होती है।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, ये तो अभी हम केवल एक ओवरव्यू बात कर रहे हैं, लेकिन इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए और अगर आप वाकई में एक्सेप्शन को समझना चाहते हैं, इनके इंटरव्यू क्वेश्चन समझना चाहते हैं, तो टेक विद्वान की साइट पर आप जाइए, आपको क्या मिलेगा वो आप वहां पर जाके ही समझ पाएंगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक्सेप्शन मैनेज करने के लिए जावा में रिक्वायर्ड है। सिंगल ट्राय मल्टीपल कैच, सिंगल ट्राय सिंगल कैच, मल्टीपल ट्राय मल्टीपल कैच, एक्सेप्शन हायरार्की, थ्रो थ्रोज में डिफरेंस, राइट। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने कवर किए हुए हैं विद एग्जांपल, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हर एग्जांपल के साथ वहां पर हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर किया, क्योंकि मैं डे वन से आपको एक ही बात कर रहा हूं, क्लासरूम एक बहुत अलग चीज है और कॉर्पोरेट एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, और जावा में एक्सेप्शन के बिना कोड लिखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एक्सेप्शन पल पल पे जावा में आते हैं, डे वन से जावा में एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन अब डे वन पे जावा में एक्सेप्शन इसलिए हैंडल नहीं करते हैं क्योंकि हमें एक्सेप्शन पता नहीं होते हैं, लेकिन अब इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग जहां पर आपको एक्सेप्शन को मैनेज करना है, और ईच एंड एवरी टॉपिक आपको एक्सेप्शन मैनेज करते हुए आगे पढ़ना है, चाहे आप एडवांस जावा पढ़ें, चाहे आप कॉर्पोरेट जावा की बात करें, बस एक्सेप्शन बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपको तरीके समझ में आ गए तो फिर हैंडलिंग बड़ी आसान हो जाती है। ओके, तो आई होप ये थ्रो थ्रोस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, फाइनली का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि फाइनली क्यों लिखना होता है, ठीक है, फाइनली की नीड क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होते हैं, कंडीशनल एक्सेप्शन क्या होते हैं, कंडीशनल एक्सेप्शन मतलब ये जो अभी हमने देखा दिस इज द एक्सेप्शन जो कि हम हमारी कंडीशन पे थ्रो कर रहे हैं, तो आई होप आपको थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस समझ में आया होगा, फाइनली का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है, देखिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन कितना आसानी से कितना सिंपल पूछा उसने, उसने बोला सपोज एक अरे है इंटीजर ए, ठीक है, अब इस अरे में तीन नंबर है, सपोज 10, 20 और 30, ठीक है। अब हमें पता होता है कि अरे का हर एक एलिमेंट इंडेक्स नंबर पे होता है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ये जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स। अब अगर मान लीजिए आपने यहां लिखा ट्राय देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ थ्री डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। तो अब आप देखिए इस एक लाइन पे दो एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपको, दो एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि अगर मैं जीरो से डिवाइड कर रहा हूं तो दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अगर मैंने ए ऑफ थ्री लिखा हुआ है तो दैट इज अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि अरे में जो इंडेक्सिंग है वो जीरो वन और टू है, और यहां पर मैं अरे को थ्री इंडेक्स के साथ एक्सेस कर रहा हूं, तो अब यहां पर कौन सा एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए एक्सेप्शन एक ही आता है एक ट्राय ब्लॉक में, और यहां पर जो पहला एक्सेप्शन होगा वो होगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि डिवीजन तो वो बाद में करेगा, पहले वो ए ऑफ थ्री को चेक करेगा, और उसको थ्री अगर नहीं मिला तो थ्रोज एन एक्सेप्शन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये होते हैं अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो अरे में आउट ऑफ इंडेक्स के कारण आते हैं। ऐसे ही अब देखिए सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है ना, मान लीजिए मैंने लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल टू डेटा फ्लेयर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया डेटा फ्लेयर। अब यहां पर आपको याद है स्ट्रिंग के हमने मल्टीपल मेथड्स पढ़ी हैं, यदि मैंने बोला एस डॉट कैर एट कैरेक्टर एट थ्री, तो ये मुझे बता देगा थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, थर्ड इंडेक्स में यहां पर कौन सा कैरेक्टर है, जीरो वन टू थ्री, ये ए। लेकिन अगर मैंने बोल दिया एस डॉट कैर एट ट्वेंटी, तो ट्वेंटी तो टोटल कैरेक्टर ही नहीं है ना इसमें, यहां पर एक्सेप्शन आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो हर जगह पर एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी है, ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, बिकॉज आपने यहां पर 20 नंबर का कैरेक्टर बोला, 20 तो टोटल कैरेक्टर ही नहीं है ना स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग इंडेक्स, अरे इंडेक्स, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ऐसे बहुत से एक्सेप्शन हैं जिनको आपको मैनेज करना है, जिनको आपको समझना है। तो आप एक बार हमारे प्रीमियम कोर्स में जाएं, वहां पर हर एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट बार बार मैं बोल रहा हूं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।